हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एग्जाम्स लैब एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले देखिए हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है? ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज़ अ वर्टिकल टावर विथ अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है, ये एक टावर है, इस टावर के ऊपर में क्या है, एक फ्लैग पोल लगा हुआ है। ठीक है, इतना से फ्लैग पोल लगा हुआ है। आगे क्या करो क्वेश्चन में, एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। इससे 9 मीटर दूर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ से इस जो टावर है इसके और फ्लैग पोल के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ से इसमें देखा जाए तो इसके ऊपर कितना डिग्री का बनेगा, यहाँ से 60 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ से इसके बॉटम में अगर बनाया देखा जा रहा है तो इसका जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री, और ये पूरा कितना है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है वो 9 मीटर का दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। तो फ्लैग पोल का हाइट पूछ रहा है और इस टावर का हाइट पूछ रहा है, दोनों का हाइट पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पुट कर लेना है। टैन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो टैन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। ठीक है, और यहाँ पे जो 60 डिग्री है, क्योंकि यहीं से एलिवेशन का एंगल हो रहा है तो यहाँ से हम लोग लेंगे, और टैन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। तो आप अगर देखेंगे कि टैन 60 डिग्री का वैल्यू देखा जा रहा है तो यहाँ से ये पूरा हाइट को ले रहे हैं, तो टैन का वैल्यू जो होता है वो होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी √3 को हम लोग 1 माने तो √3 हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, और इसके बाद जो बेस है हमारा वो 1 है, मतलब बेस हम लोग इसको माने तो ये 1 हो जाएगा, 1 यूनिट होगा, यहाँ पे हम लोग रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 30 डिग्री को लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा कितना, 3, ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर कितना है, इस वाले में हम लोग देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 30 वाला में, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा बेस हो जाएगा 3। तो इसको अगर 3 मानते हैं, फिर से एक रेशियो पे ये कितना आ रहा है, √3 आ रहा है ना, बट यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे √3 आ रहा है, दोनों को सेम यूनिट में करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इस वाले में √3 से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हमें यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा 1 में, यहाँ पे 1/√3 के, तो इसमें भी हम लोग को करना होगा √3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3। ये पूरा हाइट 3 था, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, इस 2 का वैल्यू पूछा है, हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, √3 का वैल्यू 9 मीटर दिया हुआ है, तो √3 का वैल्यू जो है वो 9 मीटर है। हमें पूछा है कितने का वैल्यू, हमें 2 का वैल्यू पूछा गया है, तो 2 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा तो √3 × 3 टाइम में कटेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6√3, ये हमारा आंसर होने वाला है। समझ में आया, चलिए।